रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब फ्रेंड्स? इंशाल्लाह आप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और रमज़ान की में अच्छी अच्छी सी इबादत कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी सी सहरी अफ्तारी बना रहे होंगे। अभी ये मैं बनाने लगी थी चिकन टिक्का और पोटैटो वेज। इसके लिए मैंने यह टिक्का मसाला लिया है, टिक्का बोटी मसाला। ये इसको 2 चम्मच योगर्ट और लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके योगर्ट में थोड़ा सा ऑयल, ये इनको मैंने लगा दिया अच्छी तरह से। और इसको मैं ये रखूँगी, ये मैंने ऑयल लगा लिया एक ट्रे में, इसमें रख के बेक कर उसमें ओवन में रखूँगी। यह चिकन के मैंने थाई पीसेस लेके उनको कट लगा लिया था। ये जो बाकी का मसाला बना है इसमें ये मैंने पोटैटो वॉश करके कट कर लिए थे, छिलका उतार के इनको मैं मिक्स करके ये भी इसमें मैं रख दूंगी साथ में। देखें, ये मैं चिकन और पोटैटो इसमें ट्रे में लगा दी हैं। अब मैंने ये ओवन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे कर लिया है, इसमें मैं ये रख दूँगी तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये रेडी हो जाएगा। यह टिक्का और पोटैटो वेज रेडी हैं और अफ्तारी का भी टाइम हो गया, तो अभी हम अफ्तारी में खाएंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक एंड सब्सक्राइब। ये अहमद और हमद दोनों के लिए है। मैं तो अभी ड्यूटी जा रही हूँ और बाबा को भी नहीं खाना था, वो फ्रूट सैलड ही खाते हैं अफ्तारी में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। Yum, yum.